भारत में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2527 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2527 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोविड 19 के कुल मामले बढ़कर 4,30,54,952 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 15,079 हो गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,22,116 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल संक्रमण से इस समय सक्रिय मामले 0.03% हैं। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। पिछले 24 घंटे की अवधि में 838 नए सक्रिय कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अभी तक कुल 4,25,17,724 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 187.46 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।